अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं सऊदी अरब की एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ। दोस्तों इस वीडियो में सऊदी जवाजात की तरफ से एक अपडेट है जो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। और साथ में जैसा कि आप तमाम दोस्तों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई हमारा इकामा वीज़ा 30 सितंबर को ख़त्म हो गया है, तो क्या अब सऊदी जवाजात की तरफ से आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इस बारे में आप ज़रूर से बताएं। तो आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अभी तक फ़िलहाल सऊदी जवाजात की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है कि बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, जबकि दो दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर आप तमाम दोस्तों को बताया था कि कुछ दोस्तों का एग्जिट एंट्री वीज़ा जो है वो बढ़ाया गया है। और मैंने उन तमाम लोगों से बातचीत की और जब आप तमाम दोस्तों के कमेंट आए वीडियो में कि भाई आप प्रूफ दिखाएँ, तो मैंने उन तमाम दोस्तों से प्रूफ के लिए भी बात किया। तो उन लोगों ने स्क्रीनशॉट मुझे दिया तो है, लेकिन उन लोगों ने साथ में ये भी कहा है कि भाई आप प्लीज़ हमारा स्क्रीनशॉट जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड नहीं करना, क्योंकि ये हमारी प्राइवेसी है, इसमें हमारा इकामा नंबर और पासपोर्ट नंबर वगैरह है, तो आप इसको प्लीज़ जो है वो अपडेट नहीं करना। तो मैं जो है अपडेट नहीं करता हूँ, लेकिन जो मैंने चैट किया है व्हाट्सएप पर दो तीन दोस्तों से, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को जो है वो यकीन हो सके कि हाँ वीज़ा जो है वो बढ़ा है। इकामा अभी तक किसी का बढ़ा है नहीं बढ़ा है, इस हवाले से मेरे पास जो है कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन वीज़ा जो है वो कुछ दोस्तों का बढ़ा है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तमाम लोगों का बढ़ा है, कुछ गिने चुने लोगों का जो है वो बढ़ा है। जिन लोगों का बढ़ा है वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से एक कमेंट कर दें और बता दें कि हमारा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। जबकि मैंने सऊदी जवाजात से एक सवाल पूछा था कि मेरा वीज़ा जो है वो 30 सितंबर को ख़त्म हो गया है, इकामा ख़त्म हो गया है, तो क्या बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो सऊदी जवाजात की तरफ से मुझे क्या रिप्लाई दिया गया है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें कहा यह गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस जो है वो रिन्यूअल के लिए उपलब्ध कराई गई है, बशर्त कि जो रिकॉर्ड है वो आपका अच्छा हो और आपका इकामा या वीज़ा जो है वो 6 महीने से ज़्यादा ना हुआ हो ख़त्म हुए, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा अगर हो चुका है ख़त्म हुए, तो ऐसी सूरत में आपका वीज़ा इकामा जो है वो बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर 6 महीने से अंदर ही है टाइम आपका, तो फिर आपका वीज़ा इकामा जो है वो आपकी कंपनी और आपका कफ़ील जो है वो जवाजात से बढ़वा सकता है, या जवाजात जाकर बढ़ा सकता है, या फिर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए भी बढ़ा सकता है। जबकि सऊदी जवाजात की तरफ से एक अपडेट ये भी है, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मुकीम पोर्टल सुविधा मालिकों को निवासी कर्मचारियों के डेटा को देखने और किसी भी समय और कहीं से भी ऑनलाइन और तुरंत अपने पासपोर्ट को लेन देन को पूरा करने में समक्ष बनाता है, यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन जो सर्विस है वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी शुरू की जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ऑनलाइन सर्विस का फ़ायदा उठा सकें और तमाम कफील और कंपनी जो है अपने वर्करों की जो भी सर्विस हो वो ऑनलाइन जो है वो कर सकें, ऑनलाइन अपने वर्करों का जो भी काम है वो कर सकें। तो ये कुछ अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। और आप तमाम दोस्तों का अगर वीज़ा इकामा नहीं बढ़ा है तो आप थोड़े दिन इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह हो सकता है सऊदी जवाजात की तरफ से कुछ ही दिनों में अपडेट जारी हो जाए कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो जो भी अपडेट जारी होगा वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर बढ़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, नहीं बढ़ता है तो फिर आप अपने कंपनी या कफील से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने कफील या कंपनी से बातचीत करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी कंपनी और आपका कफील भी आपका वीज़ा जो है वो बढ़ा देगा। तो ये कुछ अपडेट जो है सऊदी जवाजात की तरफ से जारी की गई थी वो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तमाम दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।